हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड बड़े खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको शुरू में सके पहली बड़ी खबर करो करे खबर निकल के आ रही है। तेसारा परेरा के हवाले से की बड़ी खबर कि तेसारा परेरा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। अगर बात की जाए तो ये वो पहले श्रीलंकन क्रिकेटर बन गए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में एक ही ओवर में छः छक्के मारने वाले तेसारा परेरा श्रीलंका के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और वो उन्होंने ये डोमेस्टिक मैच में एक कारनामा हासिल किया था और ये कल उन्होंने जबरदस्त पारी खेली थी और सिर्फ 13 बालों पे 52 रनों की जबरदस्त पारी खेली और वो श्रीलंका के पहले खिलाड़ी बन गए हैं एक ही ओवर में 6 छक्के मारने वाले। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर करें खबर निकल के आ रही है शरियास अय्यर के हवाले से की बड़ी खबर। शरियास अय्यर को 8 अप्रैल को एक सर्जरी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो 5 महीने तक क्रिकेट से बाहर रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि शरियास अय्यर को लगभग 5 महीने का रेस्ट दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इससे साफ जाहिर होता है कि IPL तो दूर की बात है, तो वो लगभग सितंबर या अक्टूबर तक क्रिकेट से बाहर रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर कि 8 अप्रैल को उनकी सर्जरी होगी और 5 महीने वो क्रिकेट से बाहर रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के हाल से की बड़ी खबर। एक और इंडियन खिलाड़ी टेस्टेड पॉजिटिव पाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर अगर बात की जाए तो पहले 3 नाम मैंने आपको बताए थे, सचिन तेंदुलकर, यूसुफ पठान और एस बद्रीनाथ, और अब चौथा नाम इनाम इरफान पठान। इरफान पठान भी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेल रहे थे। 21 मार्च को ये ख़त्म हुई थी और ज़बरदस्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी की थी इंडियन टीम ने। और अब चौथा नाम इरफान पठान टेस्टेड पॉजिटिव पाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, 14 दिन के होम क्वारंटीन पर भी उनको भेजा गया। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उस रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज पर कि सभी खिलाड़ी अगर पॉजिटिव निकलते हैं तो ये क्या ये बहुत ही मुश्किल होगा कि इरफान पठान जैसा खिलाड़ी भी पॉजिटिव पाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और चौथी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही है इंडिया इंग्लैंड के बीच जो तीसरा वनडे मैच खेला गया। इंडियन टीम ने ज़बरदस्त तरीके से उस मैच को जीता था और अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा फायदा इंडियन टीम को वर्ल्ड सुपर लीग में मिला है। अगर बात की जाए तो इंडिया आठवें से सातवें पोजिशन पर पहुँच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो पहले 8वें पायदान पर थी और अब 7वें पायदान पर पहुँच गई है और इस इंडियन टीम को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला है सुपर लीग में। 7वें पायदान पर इंडियन टीम पहुँच गई। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और पांचवी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही है सुनील गावस्कर के हवाले से। आज की बड़ी खबर, सुनील गावस्कर के मुताबिक इस वक्त की इंडियन टीम हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन टीम है। उनके मुताबिक इस टीम में गेंदबाज भी है, बल्लेबाज भी है और बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है और ज़बरदस्त टीम। जितने भी डोमेस्टिक खिलाड़ी आते हैं वो अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। उनके मुताबिक करंट इंडियन टीम बहुत ही खतरनाक टीम है, ये पूरे हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन टीम है, कहना है सुनील गावस्कर का। उनके मुताबिक ये बहुत ही ज़बरदस्त टीम है आज की इंडियन टीम। और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको शुरू में मिल सके। थैंक यू।